वेल्टन ग्रीन शर्ट्स ख्वाब हकीकत बन गया, पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया। पाकिस्तानी सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। 153 रन का हदफ पाकिस्तानी टीम ने आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की शानदार बैटिंग, मोहम्मद रिजवान 57, बाबर आजम 53 और मोहम्मद हारिस ने 30 रन बनाए। शाहीन शाह अफरीदी ने 2 विकेटें हासिल की। मोहम्मद रिजवान मैन ऑफ द मैच करार। वजीर आजम शहबाज शरीफ की कौमी टीम को सेमीफाइनल में कामयाबी पर मुबारकबाद, कहा पाकिस्तान ने मेगा इवेंट में शानदार कारकर्दगी से वापसी की। इमरान खान की पाकिस्तानी टीम की शानदार कारकर्दगी और जीत पर मुबारकबाद। वजीर आला पंजाब भी कौमी टीम को सेमीफाइनल में कामयाब पर मुबारकबाद ही कहते हैं, इंशाल्लाह वर्ल्ड कप भी हमारा होगा, जज्बे और जुनून के साथ कोई नहीं ठहर सकता। वजीर आला पंजाब की लॉन्ग मार्च की सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम की हिदायत, कंटेनर पर बुलेट प्रूफ रोस्ट्रम और बुलेट प्रूफ शील्ड्स का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। रूट के रास्ते में इमारतों की छतों पर पुलिस कमांडोज तैनात किए जाएंगे। पुलिस और इंतजामिया आवाम के जानो माल के तहफ्फुज के लिए कोई कसर उठा न रखे। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की जेर सदारत आला सतह का इजलास, लॉन्ग मार्च के रूट के सिक्योरिटी इंतजाम का तफसीली जायजा। और लॉन्ग मार्च का कंटेनर दोबारा सड़कों पर आने को तैयार, लॉन्ग मार्च का दोबारा आगाज कल से होगा। शाह महमूद कुरैशी कल वजीराबाद से लॉन्ग मार्च की क्यादत संभालेंगे। असद उमर फैसलाबाद से रावलपिंडी तक लॉन्ग मार्च की क्यादत करेंगे। लॉन्ग मार्च के दौरान हुकूमत पंजाब की जानिब से सिक्योरिटी इंतजाम को यकीनी बनाया जाएगा।